A ball of mass m moving with velocity v strikes a bob of pendulum at rest. The mass of the bob is also m. If the collision is perfectly inelastic, the height to which the bob will rise. जैसे देखो यहाँ पर एक बॉब इस तरह से बना लो और इसका जो मास है वो एम है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि एक बॉल आ रहा था और जो बॉल है वो इस तरह से आया है ना, इसका भी मास एम है और ये वी स्पीड से आ करके इसको स्ट्राइक कर दिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो बॉब है उसका भी मास एम है, कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब कि जा करके वो चिपक जाएगा वहाँ पे। तो हाइट जो है कितना जाएगा बॉब वो बताना है, जैसे ये ऊपर उड़ गया इस तरह से है ना, तो दोनों साथ में चलेगा। जैसे पहले तो मास एम था लेकिन बाद में मास हो जाएगा 2m और कुछ हाइट तक ऊपर वो उड़ जाएगा। तो सबसे सिंपल तो पहले यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाते हैं यहाँ पर, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम है, तो कोलिजन से पहले तो केवल इसी के पास है मोमेंटम, सो मास इनटू वेलोसिटी। फिर कोलिजन के बाद मान लो दोनों चिपक गया, मास हो गया 2m और आगे जाने लगा मान लो स्पीड कैपिटल v से, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 2m इनटू v। तो इससे ये पता चल जाएगा दैट कि फाइनली कोलिजन के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो कोलिजन के बाद हो जाएगा v अपॉन 2, इस स्पीड से वो आगे जाने लगेगा। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये जा रहा है, तो इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद हमारा वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है यहाँ पर। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद। तो मैक्सिमम हाइट मान लिया हमने एम जी एच, लेकिन कितना मास है 2m मास है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी इसका स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 2m यहाँ से कैंसिल हो गया, एच इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 8 जी, तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 8। 8 आपको यहाँ पे ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में लिखना था। ओके okay?